इंडिया पाकिस्तान मैच जो है ना इस बार, मुझे लग रहा है कि पहले हमें लग रहा था कि उस ग्राउंड पे भी हमने देखा, पाकिस्तान की बॉलिंग भी हमने देखी, बैटिंग में भी हमारे भी थोड़े प्लेयर्स बाहर हैं, बट एडवांटेज ले देके इंडिया को ही है। एशिया कप से पहले हारिस रऊफ का कहर, 150 की रफ्तार से उखाड़े स्टंप। भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल कई मुकाबले होने वाले हैं। एशिया कप से लेकर वनडे वर्ल्ड कप तक कई मौकों पर दोनों चिर प्रतिद्वंदियों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा आपका जो सबसे बड़ा मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी, लौट आया सबसे बड़ा दुश्मन। एक साल बाद टीम में वापसी, शाहीन शाह अफरीदी ने बरपाया कहर। मुझे लग रहा था कि चार मैच पाकिस्तान में होने, फिर ये जाएंगे श्रीलंका। इसमें एक पॉइंट और है, वो वहां पे पाकिस्तान में मैच खेल के फ्लाइट लेके जाके इंडिया खेलेंगे, मतलब इंडिया को खेलेंगे श्रीलंका में। तो भाई क्या प्लेयर को मशीन समझ रखा है, मतलब पाकिस्तान अपने ही प्लेयर से बदला ले रहा है क्या? इसमें पाकिस्तान पहला मैच खेलोगे उधर मुल्तान में, वो क्या रहा है, पहले फिर फ्लाइट लेके जाओगे श्रीलंका, क्या तमाशा है। और फिर ये वापस भी आएंगे, सेम श्रीलंका के साथ हो रहा है। श्रीलंका अपना पहला मैच श्रीलंका में खेल रहा है, फिर श्रीलंका पाकिस्तान जा रहा है, फिर श्रीलंका जो है वापस आ रहा है। हालांकि श्रीलंका को एक बार कम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन श्रीलंका के ट्रैवल के साथ में जो मैच में ब्रेक डेज काफी है, पाकिस्तान का सिर्फ एक दिन का बीच में ब्रेक डे है। पाकिस्तान पहले खेलेगा पाकिस्तान के अंदर, फिर जाएगा श्रीलंका, फिर जाएगा पाकिस्तान, फिर आएगा श्रीलंका। ये आत्महत्या करने के, ये किताब लिख रहे हैं क्या, आत्महत्या करने के 100 तरीके। ये मतलब आप सबसे बड़ा, आपका जो सबसे बड़ा मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उससे पहले आपने मैच रख लिया मुल्तान में, फिर आप फ्लाइट लेके जा रहे हो श्रीलंका, फिर आप पता नहीं आधे कच्चे पक्के सोए रेस्टेड, वैसे ही बंदे को इतनी टेंशन, अगर उससे पहले एक हफ्ता भी छुट्टी मिल जाए इंडिया पाकिस्तान गेम से, तब भी आप सोना पाए बंदा। यहाँ पर मैच खेल के फ्लाइट लेके जाके कैंडी के अंदर, जहां इंडिया रेडी है कि आओ भाई बताएं तुम्हें, है ना। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बेवकूफी वाला स्केड्यूल निकाला है इन्होंने, एंड आई थिंक इसमें पाकिस्तान होस्ट नेशन होकर अपने आप को सजा दे रहे हो क्या आप? इवन सलमान भट्ट, चलो हमारे लिए तो अच्छा है, जो कि सलमान भट्ट जो पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन है, भट्ट है वो, सलमान भट्ट, उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान को अपने खिलाड़ियों की परवाह ही नहीं है। उन्होंने भी अपने YouTube चैनल पे यही कहा कि भाई खिलाड़ियों की परवाह नहीं, क्योंकि जिस तरह से आपने शेड्यूल बनाया, एक एक दिन का बीच में गैप है, पाकिस्तान पहले इधर खेलेगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, चार बार ले देके पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है। पाकिस्तान पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम को दो बार वहां पे खेलते हुए देखे, वो जो सुपर फोर का एक मैच जो डाल दिया गया है ना बीच में, वो बस इसीलिए हुआ है, इसलिए हुआ है, पहले तो ये था ना कि सिर्फ पाकिस्तान एक मैच खाना पूर्ति करने के चक्कर में, आपने दिखाने के चक्कर में, होना यह चाहिए था कि पहले सारे पाकिस्तान के मैच जो पाकिस्तान में वो खत्म कर लो, आ रहे हैं जी, जा रहे हैं जी, फ्लाइट भेज रहे हैं जी, खर्चे कर रहे, क्या बेवकूफी के काम है। एक बार वहां लेके आओ, मैच खत्म करो, उड़ाओ श्रीलंका जाओ। ये तो आपने सभी के लिए दिक्कत कर दी, अपने ब्रॉडकास्टर्स के लिए दिक्कत कर दी। अब ब्रॉडकास्टर्स की एक टीम को एक समय पर पाकिस्तान में तैयार होना होगा, एक समय श्रीलंका में तैयार होना होगा, आपके खर्चे डबल हो जाएंगे। आपने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार के, दूसरा पैर कुल्हाड़ी पे मार के, समुद्र में कूद के, वेल मछली के मुंह में जाके अपनी आंखों में लाल मिर्ची डाल ली है। ये करा है पाकिस्तान ने एशिया कप में। मैं तो बड़ा, मैं शॉक भी था बड़ा जब मैंने देखा ढंग से कि स्केड्यूल, ये क्या स्केड्यूल है भाई, ये वहां जा रहा है, फिर वो A1 और A2 भी मुझे समझ नहीं आया। क्लियर है वो, ऐसा है अगर अगर एक ग्रुप ए में से इंडिया और पाकिस्तान दोनों क्वालिफाई कर जाते हैं तो इन एनी केस A1 होगा पाकिस्तान, A2 होगा इंडिया, और दूसरे ग्रुप में अगर श्रीलंका और बांग्लादेश को। दोस्तों जी हाँ, के जैसे कि आप लोगों को पता है कि पूरी जो वर्ल्ड है, पूरी मतलब दुनिया, वो पाकिस्तान के बॉलर से बहुत ज़्यादा डरती है। जैसे कि इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उनको हमेशा पाकिस्तानी बॉलिंग से डर लगता है। उसी के साथ साथ इंडियन मीडिया का भी आप रिएक्शन देख सकते हैं कि वो कितना डर रहे हैं पाकिस्तान के बॉलर से, जबकि उन्होंने अपनी तारीफ़ के पुल बांध दिए हैं जिसमें हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी शामिल हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये ऐसे बॉलर हैं जो कि इंडिया को धूल चटा सकते हैं और इंडिया के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। और ये ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि देखें नसीम शाह पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर है जो स्विंग करता है, उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी के पास पेस है और उनके पास जो है वो एक्सपीरियंस है, दूसरा हारिस रऊफ के पास जो है वो स्पीड अच्छी है। तो दोस्तों आप लोगों को इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। शुक्रिया।